Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा के पलटवार को लेकर चर्चा में आई मेरठ की कवियत्री अनामिका जैन अंबर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। इसकी वजह उनका वह ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग सड़क पर निकल चुके हैं देश विरोधी नारे लेकर, देश के भक्तों तुम भी निकलो भारत के जयकारे लेकर। इस ट्वीट को लेकर अनामिका जैन अंबर को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों ने अनामिका को सलाह भी दी है और कई उपमाओं से नवाजा भी है। एक अनुमान के मुताबिक इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया करने वाले करीब 70% लोगों ने अनामिका पर तंज ही कसा है। शिवपाल यादव के कभी करीबी रही अनामिका जैन अंबर को उनकी पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित किया गया था। इसके बाकायदा होर्डिंग्स भी लगे थे, लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ी थी। वर्तमान में अनामिका भाजपा से जुड़ी हुई हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। पहले झलक देखते हैं यूपी में काबा की। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजी गैर बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा काबा यूपी में काबा। अब इसके जवाब में यूपी में बाबा। जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अब नजर डालते हैं इस ट्वीट पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर। राजीव भदौरिया कहते हैं कि कभी देश में ऐसे कवि साहित्यिक शख्सियतें हुआ करती थी जो अमन चैन और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए देश को जोड़कर रखने का प्रयास करते थे, लेकिन नए भारत में हर कोई सौहित में नीचे गिरने की नई इबारतें लिखने में भी कोई कोताही नहीं बरत रहा है। उदयनाथ अवस्थी लिखते हैं कि वो सभी सत्ता की पंजीरी फाँकने के शौकीन नहीं थे। आजकल तो होड़ मची है, जमीर से गिरकर जागीरदार के कसीदे पढ़कर उनके स्नेहिल छाया में कैसे अपने वैभव को फलीभूत करें, स्थापित करें। जो साहित्य कवित्व सत्ता के दहलीज में पड़े रहते हैं उनका अस्तित्व क्या, औचित्य क्या, उनकी हैसियत रागदरबारी जैसी है। अंजू सिंह का कहना है कि बस नौकरी, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा छोड़ सड़क पर भारत के हिंदू टहलो, और जब तक भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान न बन जाए रुकना मत। अपने बच्चों को स्कूल भेज पढ़ाएंगी और दूसरे के बच्चों को सड़क पर नारे लगाने भेजेंगी। पहले अपने बच्चों का नाम कटा RSS की शाखा में और सड़क पर नारे लगाने भेजें। किशोर के का कहना है कि OBC दलित और गरीब के बच्चे दंगाई उन्मादी बने और तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ें, विदेशों में नौकरी करें। मनु का कहना है कि और आप क्या करोगे, घर में बैठकर नारे लगाओगे? कभी किसी नेता को मरते मार खाते देखा है? बंद करो यार ये जात पात, रिलीजन की लड़ाई करवाना, जियो और जीने दो, जो गलत है उनको सुधारो ना। आप पब्लिक को बस धर्म और कास्ट की घुट्टी पिलाकर खुद चैन से हो। राज आर्यन का कहना है कि FIR दर्ज करवा दूं इस ट्वीट पर, क्या नवनीत राणा बनना है? जनता को भड़काने पर केस नहीं बनता। कौन कहां देश विरोधी नारे लगा रहा है सड़कों पर? अमन चोपड़ा की तरह गायब तो नहीं हो जाओगी? यहां बात हो रही है पत्रकार अमन चोपड़ा की, जिन्होंने अपने शो में जागीरपुरी की घटना के बाद राजस्थान में चले बुलडोजर बदले की कार्रवाई करार दिया था, जबकि यह बुलडोजर जागीरपुरी से पहले चला था। अमन के खिलाफ राजस्थान सरकार ने FIR दर्ज करा दी है। कुमार यादव, इनका कहना है कि जाओ लात घूसे खाओ भक्तों, और मैडम जी मजे में AC में, क्या बात है। जब देश के साथ कुछ होगा तो राष्ट्रवादी मैडम के जैसे ट्वीट करेंगे। आप लड़ नहीं सकती पर सैनिकों को पानी तो पिला सकती हो। ट्वीट काम नहीं आएगा, सोच बदलो मैडम जी। अंबर से बात मत करो, जमीन पर उतरो। दिनेश जन कहते हैं कि आप जल्दी से निकलो, हम आपके पीछे हैं, कब निकल रही हैं, ट्वीट करें। सुनील कहते हैं कि लोगों की छोड़ो, तुमने क्या किया वो बताओ। तुम कब तक घर में दुबके बैठे हो, जनता को मरवाना चाहते हो क्या? सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि अपने बच्चों को भी साथ भेजना ताकि धर्म को बचाया जा सके। नेनुराज कहते हैं कि और तुम ऐसी बैठकर ट्वीट पर आदेश सुनाती रहो, नमूना पंथी की हद कर दी है तुमने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।